सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि पटना में आज शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है, जहां पर पुलिस ने भी अभ्यर्थियों के साथ मारपीट की है, लाठीचार्ज किया है। और कहते हैं कि यहां पर संगीत अभ्यर्थियों के द्वारा सासाराम में भी नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर इन लोगों के द्वारा नीतीश कुमार का पुतला दहन क्यों किया जा रहा है, नीतीश कुमार का पुतला फूका जा रहा है, क्यों फूका जा रहा है। और देखिए, ऐसा है कि अभी शिक्षक की बहाली निकली हुई है, लगभग 1.25 लाख बहाली निकला हुआ है। हम लोग सारे संगीत अभ्यर्थी हैं, हम लोग संगीत से ग्रेजुएशन और बीए किए हुए हैं और एमए किए हुए हैं। और यहाँ पे जो संगीत अभ्यर्थी जो हैं सारे मतलब पात्रता का वो उचित उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है वो गलत नियम ला करके ए स्टेट हम लोग से मांग रही है, जबकि संगीत अभ्यर्थियों से आज तक स्टेट का एग्जाम लिया ही नहीं गया है। जब 2011 के बाद स्टेट हुआ ही नहीं है। क्या बता रहे हैं? स्टेट की परीक्षा 2011-12 में हुआ था, आज तक ले 2011 के बाद आज तक ले स्टेट का परीक्षा हुआ नहीं है। और नीतीश सरकार जो बीपीएससी के थ्रू परीक्षा लिए जा रहा है, सब नियम में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन संगीत के लिए कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए कि हम लोग पटना में गए, पटना में वहाँ शिक्षा मंत्री से बात किए, वहाँ पे कुछ नहीं सुन रहे हैं लोग। और हम लोग का निर्णय लिया गया कि अपने अपने जिला में जाके, और इसके बाद हम लोग विशाल धरना करने जाएंगे पटना गांधी मैदान में। भैया कहें मतलब 2011 में स्टेट लिया गया था, स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट, तो उसमें 2011 में जितने लोग पास हुए थे 2017 में सबका मतलब बहाली हो गया, तो कोई बचा नहीं है। और उसके बाद अब स्टेट लिया ही नहीं गया हम लोगों से, और हम लोगों से मांगा जा रहा था, हम लोग कहाँ से देंगे बताइए। उसको हटाया जाए, उसको हटाया जाए, हम लोग फार्म भरेंगे, बीपीएससी का फार्म भरेंगे, नहीं निकलना नहीं निकलना अलग बात है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोग बहुत विशाल धरना देंगे और उसके उग्र आंदोलन भी होगा। आप धरना की बात कर रहे हैं और पटना में धरना दिया जा रहा है, जहां शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। कोई बात नहीं सर, सबके साथ यही होता है, सब लोग बोलता है कि हम आएंगे अपने सरकार में आएंगे तो कुछ अच्छा। बिहार सरकार है, हक के लिए लड़ना पड़ता है, शिक्षा के लिए यहाँ टीचर बनने के लिए लड़ना पड़ता है। बिहार सरकार अंधी हो गई है, अंधी रहेगी, जब तक लालू यादव और नीतीश सरकार रहेगा तब तक ये ऐसा ही पारंपरिक चलता रहेगा। जो डोमिसाइल नीति लाया गया है, डोमिसाइल नीति लाया गया, उसके खिलाफ तमाम जिले के शिक्षक पटना में आज धरना पर गए थे, जहां पर शिक्षकों के साथ बर्बरता से बिहार पुलिस के द्वारा मारा और पीटा गया। क्या लगता है, जो संगीत विद्यार्थी आप लोग हैं, आप लोगों की बात सरकार मानेगी? ये धरना धरना पे धरना होती रहेगी, ये धरना बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत काफ़ी नाइंसाफी हो रहा है। और म्यूजिक में जो हम लोग काफ़ी पीजी और एमए करके बैठे हुए हैं, और जितने भी संगीत अभ्यर्थी हमारे बिहार के हैं, रोहतास जिले के अलग अलग जिले से जो भी हैं, सारे लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ये याद रखिएगा, 2024 में वोट है, उसके बाद आपको परिणाम देखने के लिए मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? सरकार गिराने के हम लोग काम करेंगे। ये बताइए कि शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि बताइए, पहले नियम था कि बिहार के लोग ही भरेंगे, उसे लोग पूछे, मीडिया के लोग पूछे कि बताइए बिहार के लोग के लिए अवसर दिए, बाद में बोले कि अदर स्टेट वाले भरेंगे। डोमिसाइल नीति के बारे में हाँ, तो उसमें शिक्षा मंत्री बोला कि हमारे बिहार में शिक्षक की योग्य शिक्षक ही नहीं। हाँ, योग्य शिक्षक है, विद्यार्थी नहीं। अच्छा बताइए, हम लोग आज 10 साल से 11 साल से पीजी करके बीए करके बैठे हुए हैं, जब बीपीएससी परीक्षा ले रहे हैं तो भाई ए स्टेट क्यों ले रहे हैं? ए स्टेट आप हटाइए, इसमें संशोधन किया जाए। हम क्या क्या बात कर रहे हैं? देखिए सिंपल सी बात है कि अब जब आप योग्यता के बात कर रहे हैं तो आप ए स्टेट लाइए, ए स्टेट अगर पात्रता निकाली है, हम भरेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। अगर हम नहीं पास होते हैं, उस लायक नहीं होंगे, तब ना आप कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। आप खुद नहीं दिए हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि ये लेकर के आओ, मांग रहे हो, कैसे हम लाएंगे? आप लेकर के आओ तब मैं लेकर के आता हूँ। देख सकते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों में तो आक्रोश है ही, मगर संगीत के जो अभ्यर्थी हैं इनमें भी काफ़ी आक्रोश है। और इसीलिए देख सकते हैं कि सासाराम के जो पोस्ट ऑफिस चौराहा है, यहां पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। और साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी बातों को अगर नहीं मानेगी तो हम लोग भी पटना में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ नहीं पटना जाकर भी सरकार के पुतला दहन करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।